मच्छी लो जी, मच्छी लो ताज़ा मच्छी लो। ये देखें जी, हमारी पप्पू के गार्डन में लगे हुए हैं चकोदरे। देखें कितने खूबसूरत चकोदरियां का दरख्त है। तो तोड़ लिया? हाँ, इनको जैसे तोड़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे तोड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अभी यहाँ से तोड़े जी चकोदरे। देखें ये कितने खूबसूरत, ये देखें चकोदरे कितने बढ़िया हैं। तोड़े जी तोड़े, तोड़ भी लगो ना। आहो चल बस बड़े ने सारे पुप्पो देना तोड़ लें फ्रूट। नहीं पक गए हैं, पक गए हुए हैं। ये देखें पक गए हुए हैं सारे, तारने वाले हैं वैसे, ये भी लगे हैं। ये देखें चकोदरे कितने खूबसूरत गार्डन में, नींबू भी लगे हुए हैं बहुत। ये देखें हिना जी, इन्होंने सारे कैमरे ची पा के ले जाने ने बाहर। ये देखें लेमन, लेमन लगे हुए हैं इधर। मैंने अभी ग्रीन टी बनवाई है, उसमें डालेंगे हम लेमन। ये देखें इधर से ना एक लेमन तोड़ती हूँ जो हम ग्रीन टी में डालेंगे। ये देखें ये रहा लेमन है। मौसमियाँ भी लगी हुई हैं, तोड़ो जी मौसमियाँ। ये देखें मौसमी भी लगी हुई है, बड़ी खूबसूरत जबरदस्त है। मुर्गियां भी घर की, अंडे भी घर के। सानू ना एक्चुअली पसंद ही नहीं बाहर जाना। ये देखें हिना जी, हाँ मेरी बना लो तू तू आ जा, अभी सोई उठ के आई है ये। चलो हमारी ग्रीन टी और ये फ्रेश लेमन थे गार्डन से जो तोड़े हमने, ये ग्रीन टी पीऊंगी। गला ख़राब हो गया, यहाँ आके ज़रा तबीयत थोड़ी बेहतर होगी पी के। तो ये है मुल्तान पप्पू जी का घर, बड़ा प्यार है इस शहर से और यहाँ बहुत टाइम गुजरा हुआ है हमारा, बड़ा प्यारा वक्त, अच्छा वक्त नहीं है। पर ये देखें जी मूलियों वाले पराठे बन रहे हैं, ये हमारी जौरी बना रही है पराठे हैं, ये हमारी बड़ी प्यारी जौरी है, पराठे बना रही है मूलियों वाले नाश्ते के लिए। और बड़ी अच्छी टेक्निक है इसकी पराठा बनाने की, ये देखें अंदर इतना घी लगा देती है ना। कितने लोग हैं यहाँ पे खड़े हुए जो पराठा बना रहे हैं इस वक्त, दो बाहर बैठे हैं, तीन अंदर हैं जो इस पराठे को अपना प्यार और मोहब्बत ने छावर कर रहे हैं। जाना किसी और के पेट में जाना किसी और के पेट में, ये भी है ना, हमारे नसीब की बारिशें किसी और के छत पर लग गई वो है। और यहाँ पे बन रहे हैं, हाय हाय, ये देखें जी, वाह वाह वाह, क्या मैं कहती हूँ, लोडेड लोडेड पराठा है और फूलता भी है, फिर फूल फुला के बनता है। देखें जबरदस्त, साथ हम आपको इधर का एक्शन दिखाएं। देखें पेड़े बन गए इन्होंने बनाए इस तरह से। अभी इसमें जब डालेंगी ना मूली कंडा, मूली का मिक्सचर, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। यह लाइट थोड़ी कम है पर नज़र आ रहा है सब कुछ सही। खालिस आटा और खालिस घी के पराठे है ना आशा, घर का आटा करके, घर की मूलियाँ, सब कुछ, मुर्गियाँ, अंडे, हर चीज़ घर की है। ये देखिए देसी अंडे पड़े देसी अंडे भी पड़े हैं, आपको उनका भी चेहरा कराते हैं जरा, देसी अंडों का भी। चलें जी, ये देखें जी, पेड़ा बनाया, पेड़े की बनाई रोटी, रोटी ते सुटिया देसी घ्यो, वो सूटने के बाद इसके ऊपर सूट दिया मूलियों का मिक्सचर। जोरी की पाया मूलियां दे विच, मूलियां च की पाया जोरी ने डाली है मुस्कुराहट है, बस जोरी ने मुस्कुराहट डाली है अपनी, प्यार डाला, मोहब्बत डाली है। क्लियरली बोल नहीं सकती लेकिन बड़ा प्यार करती है। जो रिश्ते हमारे हैं सब, ये सब को उन्हीं रिश्तों से बुलाती है, मामू को मामू कहती है, मामी को मामी कहती है, अम्मी को अम्मी कहती है। ये देखें जी पराठा जबरदस्त बन गया। तो पिछले 26 साल से ये हमारी पप्पू जान के साथ है और वो मेहमान ने घर वाली जोरी है
घर की फिक्र इसको होती है सबसे ज़्यादा, चीज़ों की फिक्र इसको होती है सबसे ज़्यादा। और अच्छा 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 चल ठीक है, मजेदार पराठे जोरी। हाँ हाँ खाने ना मैं पकाया हम मुंडे लगे। अच्छा 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 चले जी देखें, इसको भी बेलेगी और बेलती भी बड़ी शिद्दत के साथ है पराठे को, बड़ा सोना बेलेगी, ना वो फटता है ना कुछ। ये देखो घ्यो होए दूसरे क्यों नाश्ता ना। ये जी अभी और घी डालेगी इसके ऊपर। घ्यो मुक गया है जोरी, घ्यो सारा पराठिया के पा छड़िया ला हूं बस कर, इन्नी ची असी बड़ी सानू ताकत मिल रही है। आजा आजा तू कितने तैयार हो चली गई सा, एक मिनट में तैयार हो गई मैं, एक मिनट में। अच्छा चलो आशा कप समेत बैठी है, कप समेत देखें सर। पता हम क्योंकि वो इधर क्या हुआ है, इधर इधर क्या हुआ, स्कूल की छुट्टी पहले पहले वाले माँ चलो आजो चले है खालिद। मैं कह रही थी डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन इतने पैसे खर्च करके ना तबीयत वैसे ही ठीक हो गई। चलो पहले करना था, ये पहले कर लेना चाहिए था तभी। अब मुझे अब मेरे दिल दिमाग को सुकून आ गया इस वक्त। अब मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो, बिल्कुल नॉर्मल आएगा। क्या चाहिए उस वक्त, वो खाली मलाई इसके बगैर वाला छोटे वाला चाहिए, येलो ये छोटे वाला ही है, ले लो यही है। आशा ने कौन सा वाला खाना है, आशा कौन सा चाहिए, ये मलाई वाला, मलाई वाला बेस्ट है, मुझे तो इनका मलाई वाला चाहिए। लो पकड़ो खोल मुंह, लो जी मिठाई शिठाई ऐसी ले ली थी। मैं कहती हूँ देखिए रास्ते में कितनी डिफरेंट सीनरी होती है, आपको डिफरेंट लोग नज़र आते हैं, डिफरेंट शॉप्स नज़र आती हैं। तो बस यहाँ से फिर हम लोग गए यम में, यहाँ हाई टी थी और हमने बड़ा ही इंजॉय किया, उसमें खाना बड़ा ही वहाँ पे ज़बरदस्त था। क्लिप्स उस तरह से मेरे पास नहीं हैं, डिलीट हो गए, लेकिन ये फिर मेरी फ्रेंड जो हैं उन्होंने मुझे भेजे। यही खाना था वहाँ पे जो हमने खाया था, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, बड़ा ज़बरदस्त था। यहाँ पे चाइनीज़ खाने की वैरायटी थी, नूडल्स थी, डिज़र्ट बड़े ज़बरदस्त सन। हिना जी मेरी सिस्टर हम तीनों साथ थे। बस मैं कह रही हूँ जल्ले फ़ोन दे स्टोरेज फुल हो जाना तो उस वेले अन्ने वार डिलीट हो जाएंगी ने शैवा। बस बड़ा ही ज़बरदस्त ब्लॉग था और मुझे बड़ा ही अफसोस जब वो उसमें से जो क्लिप्स जो हैं वो डिलीट हुए। बस अब बचे खुचे क्लिप्स के साथ मैंने वीडियो बनाई है। तो ये है ब्लू पॉटरी की शॉप, मुल्तान की मशहूर, जिसके बर्तन आपने मेरी वीडियोस में देखे होंगे। यहाँ पे हम आए और यहाँ से हमने ख़रीदे बर्तन और बड़े ही ज़बरदस्त से, मेरा तो दिल करता सी मैं सारी दुकान ख़रीद लूँ। इतनी खूबसूरत चीज़ें हमारे पाकिस्तान में बनती हैं और इतनी ज़बरदस्त, और खाना इनमें बड़ा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे हर तरह की डिशेस थी, इनके गुलदान जो हैं वो बड़े खूबसूरत थे, बड़े बड़े प्लेटर्स बड़े ज़बरदस्त थे, वो भी बहुत अच्छे लगे। तो ए वे चाशनी मिठाई की शॉप थी, ये भी बड़ी ज़बरदस्त थी। यहाँ पे हम आए आए तो वैसे ऐसे यम तो फौरन बाद ही सर क्लिप फरे किधरे अगे अगे लग गया। और ये हूँ मैं, ये हिना जी ने बनाई हुई थी वीडियो, इतनी क्लियर नहीं है। मैं तुहानू कहा ना बस टूटे टूटे इधरों उधरों लै के मैं जो जो असी उस दिन किया सी वो मैं पूरा किया, मेरे अपने ओरिजिनल क्लिप्स तो जो थे वो सारे डिलीट हो गए। तो बड़ी ज़बरदस्त ये चाशनी की शॉप थी, बड़ा गुड क्वालिटी स्टफ़, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर थी। तो बस मेरी सिस्टर जो है उसने यहाँ से
खूब चीज़ें जो है ना वो ली और शॉपिंग भी की इधर से। बस यहाँ से चीज़ें वगैरह ली तो फिर मेरे जो हैं ब्रदर इन लॉ वो कहते हैं कि चलो आपको यहाँ की कश्मीरी चाय पिलाते हैं। ये हमने ली, मैं कहती हूँ इतनी ज़बरदस्त थी ये चाय। मेरा जो पहला व्लॉग है ना वो इस चाय से ही शुरू हो रहा था, तो मैं बस इसे भुलेखे वो क्लिप डिलीट कर दिता तो ऐ वाला क्लिप रख लिया, बस ए चाह वाला ही बचा सा। तो बस फिर हम आए शाम को घर और अंधेरा हो गया, रात हो गई। तो बस यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डे शुरू हो गया। यहाँ पे मेरी सिस्टर बैठ के अब्बू जी को नाश्ता करवा रही है और साथ सारी जो है ना मेडिसिन वो उनको दे रही है। बस अब बह के ना सुबह अब्बू ना लें जी गल्लां बातां कर दी हुंदी। मछलियां फड़ के लेके आना तो फिर बहुत है मैं छोटी छोटी मछलियां तो भी शौक ना जानते होंगे ना किचों दादी मैंने किसी ने कहा सी आड़ी किचन करके गाइस वीडियो बनाए गाइस वाली आंटी की वीडियो बना तू है गाइस वाली। ये जी हम बस से वॉक करके आए पप्पू की स्ट्रीट में से कमरे पप्पू ने पता नहीं याद है कि नहीं पप्पू तो हॉस्टल च रहंदे सन ਪੁੱਪੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੁੱਪੂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੇਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਧੋਤੇ ਸਨ ਓਏ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚਲੋ ਜੀ ਓਕੇ ਖੁਦਾਫੀਜ਼ 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 ਇਹ ਪੁੱਪੂ ਨੇ ਦਿਆ ਇਹ ਪੁੱਪੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਆ ਚਗੋਦਰਾ ਹਮਕੋ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਸੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅਭੀ ਅਭੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ फड़ लो भाई सादा हलवा आंधी 550 सादे वाला जो है वो पिस्ते पजामो वाला जो है दिखाओ जरा तो ऊपर ऊपर ना डबल डबल वाला डबल वाला करो डबल वाला अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਬਣਾਣੀ ਇੰਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਬਣਾਣੀ पाकिस्तान से शाही हलवा कितने का है ਆਂਟੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਂਟੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋ ਦੇ ਲੈ ਲੈ ਕੁਛ ਆਂਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਆਂਟੀ ਕੌਣ ਹੈ 350 ਕਮਰੇ ਨਾ ਬਾਜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਂਟੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ ਹਲਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓ ਹਾਏ ਓ ਹਾਏ ਐ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹਲਵਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ ਹਲਵਾ ਨਹੀਂ ਕਮ ਲੈ ਦੇ ਅਬੂ ਨੂੰ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਣੀ ਛੋਟੀ ਡੱਬੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਅਬੂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲੀ खुला नहीं देंदे घर जाके खाएंगे घबराहट पा छी बैठे हुए जी
कितना चमकदार लग रहा है इस वक्त, साफ सुथरा साफ सुथरा लग रहा है। हम मुल्तान से वापस आए तो अपने घर आके तो अच्छा ही लगता है ना, सुकून आ जाता बस। मुल्तान का सोन हलवा नरम नरम ले आते, थोड़ा जा मैं भी खाऊं। ये देखो जी सोन हलवा जबरदस्त है। और वो देखे हिना जी अपने कपड़ों का बिजनेस ठीक कर रही। ये कपड़े जो हैं ये फरा फैशन लाइन से मैंने लिए थे, इंस्टाग्राम पे उनकी आईडी है फरा फैशन लाइन के नाम से। ये वाइट कलर में थे और मैंने इस तरह से इनको कलर कराया था और बड़ा ही ज़बरदस्त कलर हुआ इनके ऊपर। और ये भी हमारे बन के आ गए थे कपड़े। ये देखें जी पैकिंग हो रही है, टेलर को जा रहे हैं कपड़े, ये टेलर को जा रहे हैं और ये पैकिंग हो रही है। 6 महीने बाद निकले, ये पैकिंग हो रही है कपड़ों की और ये टेलर के पास जाने लगे और ये दोनों बैठ के परीजात देख रही। नौ कितने गंदे हो ना, नेल कटर कितने वे कोई केड़ा नेल कटर, नौ कटा मैं अपने इतने पे। वो तो सेक्रेटरी भी था उसके साथ जेल में। अल्लाह तुसी परीजात च बढ़िया रहो। ये मारिया बी के हमने मुल्तान से लिए थे कपड़े, ये वाइट बड़ा ही खूबसूरत था। हाय मैं इन्ना सोना व्लॉग बनाया सी मुल्तान दा और वो सारा ही डिलीट हो गया। ये जिस शॉप से हमने लिए थे ना कपड़े, उस शॉप में जब वो हमें दिखा रही थी बता रही थी लड़की, वो सारा मैंने व्लॉग बनाया था उसका, लेकिन बाय मिस्टेक वो डिलीट हो गया और मैंने डिलीटेड आइटम में से भी वो डिलीट कर दिया। बहुत अच्छा बहुत ज़बरदस्त था, जिसमें हम यम रेस्टोरेंट में भी गए थे और वहाँ का भी बहुत अच्छा बना हुआ था। तो अभी तो ये जो थोड़े से क्लिप इधर उधर से मुझे मिले हैं मैंने वही वीडियो में ऐड कर दिए हैं, लेकिन जो ओरिजिनल था वो व्लॉग बहुत ज़बरदस्त था। तो ये मैंने लिए थे मारिया बी के सूट, एक ये वाला था मुंगिया से कलर का, साथ सिल्क का दुपट्टा, ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त था। ये तो खैर कपड़े फिर हमारे सिलसिला के आ गए बाद में। तो मुल्तान में शॉपिंग बड़ी अच्छी बड़ी ज़बरदस्त, मेरी कज़न थी साथ वो हमें लेके गए, उसके हस्बैंड भी साथ लेके गए और हम लोगों ने खूब जो है ना इन्जॉय किया, बड़ा मज़ा आया पप्पो दे घर हैं। शॉपिंग भी की थी, खादा पीता भी, रात को देर तक हम लोग बाज़ार में भी फिरते रहे, दुकानें खुलवा खुलवा के दुकानों के अंदर जा जा के कपड़े देखे, तो बड़ा ही मज़ा आया। क्योंकि यहाँ जब हम अपने अब्बू के घर आ जाते हैं ना, यहाँ उस तरह से बाहर हम लोग नहीं निकलते, छोटा शहर है और फिर जो है सब यहाँ पे जानते हैं, इस वजह से फिर हम लोग ज़्यादा घर में ही रहते हैं। हाँ जी तो बाहर किधरे जाइए उस वेले फिर थोड़ी बहुत जड़ी है ना फिर फुर लई दा। तो ये इस सूट की थी लेसिस वगैरह जड़ियाँ गुआच गई सन ए फिर लभ गई, तो ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो था लॉन का सूट।
ये देखें अब ये सारा कुछ पैक हो के जा रहा है टेलर के पास। असी उन्हें कहांगे कि तू हुण सीधे फटाफट कपड़े साढ़े कि असी फिर टाइम नाल लैके जाइए, पर कितने सींदे ने टाइम नाल, बड़ा ही तंग जड़ा ना किया टेलर ने सानू ऐतकी। तो ये जो है ये मैरून कलर का था, ये भी बड़ा ही खूबसूरत था। ये आई थिंक हिना जी ने लिया था, मैंने लिया था फिरोजी कलर में, और बड़े खूबसूरत जो है ना ये कलर थे और ये रंग थे। मैं कहा चलो तानू कपड़े विखा दवा। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ओके जी बाय।